Hello friends, welcome to SRBPS online classes. I am Ved Rana, your accountancy teacher. Today I will teach you third chapter of accountancy. Yes, third chapter is related to goodwill. Goodwill. This chapter we will find out the value of goodwill by different methods. First method is average profit method, second method super profit, and last one is capitalization method. सबसे पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि goodwill क्या है. It is an intangible assets, a valuable assets, can be sold, can be purchased. दो टाइप की goodwill है हमारे पास, self generated goodwill and purchased. क्या होता है परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल? अगर कोई बिजनेसमैन अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, अपनी मेहनत से अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करता है, मैक्सिमाइज करता है, तो उसके प्रॉफिट में जिस चीज ने हेल्प की है वो उसकी गुडविल है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. इसको ऐसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज ए वेंडर, गलियों में सामान बेचता था, एक रेहड़ी लगाता था, रिक्शा होकर था. धीरे धीरे उसने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, इतना ऑनेस्टली काम किया कि उसने अपनी खुद की फैक्ट्रियां लगाई, इतना फेमस हुआ. तो ये क्या है? ये उसके सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. परचेज्ड, उसमें क्या होगा? मान लो जैसे मैंने कोई बिजनेस करना, कोई शॉप करनी है, तो मैं बीकानेर स्वीट्स वालों से या हल्दीराम से बात करता हूँ और एक शॉप परचेज करता हूँ उनके नाम से, और अपने शॉप का जो मैं बोर्ड इंस्टॉल करूंगा वो बीकानेर स्वीट्स के नाम से करता हूँ. तो मेरे पास जो कस्टमर आएंगे वो मेरे नाम से नहीं आ रहे हैं, वो बीकानेर स्वीट्स की वजह से आ रहे हैं. मतलब मैंने जो पेमेंट की थी उस बिजनेस को परचेज करने के लिए, तो उस पेमेंट में कुछ पार्ट गुडविल का रहा. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड तो यहां पर है तीन जिससे हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं, एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. बट मुझे लगता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है. कैसे? गुडविल है क्या? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेसमैन, हिज रिलेशन टू कस्टमर, विद कस्टमर. क्या इसको कोई कैलकुलेट कर सकता है कि कोई आदमी कितना फेमस है, उसके कितने कस्टमर के साथ रिलेशन है, कहां तक वो फेमस है, कहां तक के लोग उसको जानते हैं? मैं कहता हूं ये पॉसिबल नहीं कैलकुलेट करना. कुछ मेथड बने जिनकी हेल्प से हम गुडविल को एग्जैक्ट तो नहीं बट आसपास की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. आसपास के मतलब इन फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलेगी गुडविल की वो एग्जैक्ट नहीं निकलती बट वो सही मानी जाती है. क्या है ये मेथड? फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड? पहले इसका फॉर्मूला, गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. सबसे पहले तो ये नया वर्ड है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड. ये फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा. है क्या ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड? सबसे पहले ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या होगा, कहां से आएगा, कैसे होता है, क्या होता है इसका मीनिंग, कुछ नहीं करना. आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 2 years purchase, 3 years purchase, 4 year purchase, 80%, 60%, वो आपको क्वेश्चन में होगा, आपको वहां उतना पुट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ एवरेज प्रॉफिट आर 60,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, देन अमाउंट विल बी 60,000 इंटू 2, मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज विल बी गिवन इन क्वेश्चन. नो नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज. हाँ, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट.
ये आपको क्वेश्चन में मिल भी जाए और ना भी मिले। तो पहला स्टेप तो बना कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट को अगर आपको फाइंड आउट करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब मैं आपको तीन चार प्रॉफिट देता हूं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, चार प्रॉफिट मैंने आपको दिए, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इन चारों को ऐड कर लो, इन चारों का ऐड करके बनता है 1,00,000। और ये कितने इयर्स थे? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, इसको 4 से डिवाइड कर लो, इट कम्स 25,000। तो इसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे फाइंड आउट किया मैंने? विद दिस फॉर्मूला। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स मतलब जितने प्रॉफिट आपके पास हो उनको टोटल कर लो। तो टोटल कितना बना? 1,00,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। ये कितने नंबर हैं, कितने इयर्स हैं, काउंट करना है, 4 साल हैं, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना है, एवरेज प्रॉफिट बिकम्स 25,000। नाउ पुट एवरेज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन 2, इट मींस वैल्यू ऑफ गुडविल कम्स 50,000। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना होगा? पहले आपको एवरेज प्रॉफिट नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। अब बात आई कि सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, ये क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, वो सेकंड मैटर हुआ, बट ये है क्या, कुछ तो पता होना चाहिए ना। देखो, जब हम किसी से बिजनेस परचेज करते हैं तो हम किस पर्पज से परचेज करते हैं? कि जितना नाम उस बंदे का मार्केट में फैला है उसी नाम से हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिले। मैं अग्रवाल स्वीट्स के नाम से शॉप क्यों खोलता हूं, क्या पर्पज है? मैं कोई दूसरा नाम क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे पता है अग्रवाल स्वीट्स के नाम से कस्टमर ज्यादा आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब मैं अगर किसी की गुडविल परचेज करता हूं तो उसके पीछे पर्पज है गुडविल का, कि वो गुडविल ज्यादा हो और उस गुडविल से मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। अच्छा, अब ये तो कोई जरूरी नहीं होता कि आपने किसी से नाम परचेज किया, गुडविल परचेज किया और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। मान लो मैंने अग्रवाल स्वीट से शॉप खोल दी, लेकिन वो शॉप चली नहीं, 1 साल 2 साल मैंने उसको रनिंग में रखा, कस्टमर नहीं आए इतने। ऐसा हो सकता है कि मैं अग्रवाल स्वीट शॉप ओपन करता हूँ कस्टमर ना आए? हाँ, बहुत सारे फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। लोकेशन, मैंने वो शॉप किसी गली में खोल ली है तो गली में कस्टमर कहाँ से आएंगे इतने सारे? ऑन रोड मार्केट में अगर मैं वो शॉप खोलता तो कस्टमर ज्यादा आते, तो उसका इफेक्ट पड़ा। तो भले मैंने अग्रवाल स्वीट्स के नाम से शॉप खोली बट प्रॉफिट नहीं हुआ। सेकेंड, मैं उस दुकान पर जिस मैनेजर को बैठाता था उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करता था, तो उस मैनेजर के बिहेवियर की वजह से कस्टमर मेरी शॉप पे आना पसंद नहीं करते थे। तो देखो, मैंने अग्रवाल स्वीट्स के नाम से शॉप खोली, उनकी गुडविल परचेज की, मेन मोटिव था प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन ड्यू टू बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गुडविल आपको प्रॉफिट कमा के देगी। हाँ, गुडविल आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में हेल्प करती है। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि आप कितने इयर्स तक उस नाम की हेल्प ले सकते हैं, अभी कितने इयर्स तक आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ा पाएंगे, या जिस बंदे से आपने गुडविल परचेज की है उसने ये नाम कितने साल में कमाया है, ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन में मिलेगा। नाउ आई विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ डीके गोयल ऑन पेज नंबर 3.9। और बिफोर 6th इलस्ट्रेशन आई विल अटेम्प्ट 5th इलस्ट्रेशन बिकॉज इट इज मोर इजियर देन 6th।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, आपको फंडामेंटल एवरेज प्रॉफिट का समझ आएगा इससे। क्या है इलस्ट्रेशन, मैं थोड़ा रैपिडली इसमें स्पीडली इसमें बोल देता हूं आपको। देर आर फोर प्रॉफिट फॉर 2014, 15, 16 and 17। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देर आर फोर प्रॉफिट्स ऑफ 98,000, 80,000, 76,000 and 1,20,000 for 2014 98,000, 2015 80,000, 2016 76,000 or 2017 1,20,000, and you have to find out the goodwill at 80% of average profit. अब मैं क्या करूंगा, चारों प्रॉफिट को ऐड करूंगा, चारों प्रॉफिट का जो टोटल बनेगा वो बनता है आपका 3,74,000। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स इज 374 एंड नंबर ऑफ इयर्स आर 4, 1, 2, 3, 4। तो आप 374 को 4 से डिवाइड कर देंगे जिससे कि आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 93,500। नाउ गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज 500 एंड नंबर ऑफ इयर परचेजेस 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक चीज और है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि आप चार प्रॉफिट ना तीन प्रॉफिट से भी गुडविल निकालिए। मतलब आप एक बार एवरेज प्रॉफिट और एक बार इसको एवरेज प्रॉफिट लेंगे ऑफ थ्री इयर्स, आप दोनों से गुडविल निकाल। ठीक है, हम चार प्रॉफिट में प्रॉफिट नहीं लेते। अब बात है सर, फिर तीन प्रॉफिट कौन से लेंगे, कौन सा नहीं लेते। देखो जो लेटेस्ट प्रॉफिट होते हैं, करंट प्रॉफिट होते हैं वो हम लेंगे, और जो पास्ट प्रॉफिट होते हैं, पुराने प्रॉफिट होते हैं उनको इग्नोर कर। हियर दिस इज फॉर 14, 15, 16 and 17। This is for 2014, 15, 16 and 17। तो past profit कौन सा हुआ, पुराना profit कौन सा हुआ, ये। तो हम 14 के profit को ignore करते हैं। तो जब हम average profit of 3 years लेंगे तो वहां पर हम इस profit को exclude करेंगे, हम profit लेंगे 80,000, 76,000 and 1,20,000। तो average profit के लिए क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो तीनों का जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 276। अब इसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, टोटल प्रॉफिट 276 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 3, 1, 2, 3। थ्री से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 92,000। अब बात आई कि सर पहले तो ये अमाउंट 93,500 आया था, अब ये 92 आया है, इससे बिल्कुल अलग आएगी। आप 4 साल का प्रॉफिट ले और 3 साल का प्रॉफिट ले तो वैल्यू तो अलग ही आएगी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स और एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, यूज विच एवर इज मोर। मतलब जो ज्यादा प्रॉफिट है आप वो यूज कर। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है 80% goodwill is valued at 80% of the average profit of 3 years or 4 years whichever is higher. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 year का average profit 93,500, 3 years का profit 92,000। तो higher कौन सा है, जो higher है आप वो use करेंगे। क्वेश्चन specially permission दी कि जो ज्यादा amount बनेगा आप उसको use करें। तो मेरे according तो higher ये है तो मैं इस अमाउंट को ही यूज करूंगा, इसका 80% लूंगा, तो इससे गुडविल की वैल्यू आएगी आपकी 74,800।
ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ बाय एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें दो या तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादातर वो क्वारी में रहते हैं, उनको डाउट रहता है कि सर आप एक चीज देखो, आपने चार प्रॉफिट लिए, तीन प्रॉफिट लिए, अगर कभी बीच में लॉस हो तो क्या वो लेना है? बिल्कुल लेना है। 10,000, 20,000, 30,000 और फोर्थ ईयर में हुआ -10,000, चार प्रॉफिट है मेरे पास बट फोर्थ ईयर प्रॉफिट नहीं, लॉस है। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 30, 20, 10, 60, -10, 50, जो प्रॉफिट है वो ऐड कर लूंगा, जो लॉस है वो लेस कर लूंगा। अब बात है सर एवरेज प्रॉफिट को अगर फाइंड आउट करना होगा तो आपने फॉर्मूला बताया टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ईयर्स, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट तो रखेंगे 50,000, ये तो क्लियर है, बट आप टोटल ईयर्स कितने रखेंगे, क्या लॉस वाले ईयर को लेना है? बिल्कुल लेना है। ये 1, 2, 3, 4 मैंने आपको चार अमाउंट दिए थे, चार साल के अमाउंट दिए थे, तो चार ईयर लिखने का आपको, तो डिवाइड बाय 4 इट कम्स 12,500, ये आपका प्रॉफिट होगा एवरेज। यानी कि अगर कभी बीच में लॉस हो तो आप उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद टोटल प्रॉफिट के स्पेस पर रखेंगे, तो डिवाइड कितने से करेंगे, जितने ईयर आपको गिवन होंगे, चाहे वो प्रॉफिट थे चाहे वो लॉस थे। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक और फॉर्मूला बना है, ये दो टाइप का होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट इज सिंपल एवरेज, सेकेंड इज वेटेड एवरेज। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज। अब क्या होता है वेटेड एवरेज, क्वेश्चन में आपको क्या होगा, ईयर्स के साथ जैसे जैसे आपके पास ईयर्स होंगे आपको उन ईयर्स का वेट दिया जाएगा। वेटेड एवरेज का इलस्ट्रेशन है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 7, आप पेज नंबर 3.10 उस पर इलस्ट्रेशन 7 को देखिए, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 3.10 क्या है इलस्ट्रेशन, रोकना क्या हुआ इलस्ट्रेशन को मैं इसमें नोट कर दिया।